हेलो गाइस, नमस्कार, प्रणाम। हम मनोज कुमार इट्टू मौर्य यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। मैं खुशी हूँ कि आप सब ठीक होंगे और मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। इसी के साथ मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। अगर अच्छा लगे तो आगे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा भाई साहब। तो बात ऐसा है कि एक गांव में एक गुरु और एक चेला रहा जहाँ करते थे। गुरु का जो चेला था, गुरु जी का बहुत प्रिय था। वो मतलब गुरु जी का साथ रहना, साथ खाना, साथ नहाना, उनके साथ काम करना, सब कुछ करता था। ऐसे करते करते कुछ समय बीता और एक दिन क्या हुआ कि चेला छुट्टी ले लिया। छुट्टी लेने के बाद एक दो महीना तक वो नहीं आया और चेला का शादी हो गया। जब शादी हुआ तो शादी के बाद जब गुरु जी के पास गया तो गुरु जी ने पूछा कि अरे चेला, चेला का नाम था आनंद, अरे बेटा आनंद क्या हाल चाल है तेरा? तो बोले कि गुरुजी अभी तो ऐसा है कि दिन दुगना रात चौगुना हो गया, बने बनाए खाना कपड़ा धोया हुआ, शाम को मालिश, मतलब इतना कि आप पूछो हिम्मत, मेरा एकदम दिन बन गया अभी गुरुजी। गुरुजी बोले अरे बेटा दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है, जब तक तू ठीक है तब तक ठीक है। बोले नहीं गुरुजी, ऐसा हो नहीं सकता। मेरा तो समझ लीजिए कि मैं अगर अपनी पत्नी को जो बोलूं वो करेगी, मतलब समझ लीजिए कि हमारे लिए वो कुछ भी कर सकती है। तो बोला देख चेला, ऐसा बात नहीं है, तू अगर ट्राई करना चाहे तो ट्राई करके एक बार देख ले कि सही में तुमको सब चाहने वाला है कि नहीं। बोला अरे गुरुजी ऐसा हो नहीं सकता, मेरी माँ मेरे को चाहती है, मेरा बाप, चाहे बीवी, जिसको भी मैं बोलूँ वो सब मेरे को ही चाहता है, दूसरे को चाहता ही नहीं, मेरे लिए उन लोग कुछ भी कर सकता है। गुरु जी ने बोला बेटा तू आज जा शाम को और जाए और बेटा अपने पत्नी को बोलना खीर बनाने के लिए और तू उल्टा लटक जाना। चेला में मतलब खूबी था कि वो सांस बहुत देर तक रोक सकता था, बहुत देर तक वो जितना चाहे वो रोक सकता था, इतना वो प्रैक्टिस कर रखा था। उसने शाम को आया, मैडम को अपने परिवार को बोला भाई तुम खीर बनाओ आज हमें खाना है। तो बोला ठीक है। अब वो हुआ क्या कहानी कि उसको बताया था गुरुजी ने, वो अपने घर के कहीं पे दीवार में उल्टा लटक गया। अब जब खीर बन गई तो वो उनकी मैडम बोलने लगी कि आओ जी खाओ, अब ये कुछ बोले ही ना, ये तो लटका हुआ था गुरुजी के कहने पे। अब एक दो बार ऐसी बुलाई, इसके बाद आके हिला डुला के देख रही थी तो सांस बंद। अब ये देखी अरे क्या हुआ पंडित जी, क्या हुआ, उठिए भोजन कीजिए, आपका बन गया खीर। अब वो तो उठे ही ना कभी। लास्ट में होता क्या है कि वो देखती है कि ये तो मर गया। अब वो लेडी सोचती है कि ये तो मर ही गया, अगर मैं अभी से रोना शुरू कर दूँ तो कल तक तो कोई खाने के लिए पूछेगा नहीं, से पहले मैं पहले खा लेती हूँ फिर रोना शुरू कर। जो उसकी पत्नी थी, अब वो क्या किया, पहले दबा दब दो चार कोरोना, मतलब जितना उसका पेट भर जाए दो दिन का कोटा पूरा कर ली लेडी, इसके बाद रोना शुरू किया। जब रोना शुरू किया तो गांव मोहल्ले के आदमी जुटने लगे। अब जुट गए पूरे, जुट गए तो उसको उतारा गया फिर उसको रखा गया। रखने के बाद भाई सब रोवा गाही, मेरा बेटा, मेरा भाई, रो रहे हैं भाई, हमारा ये हो गया, पत्नी उसकी रो रही है खूब। अब लास्ट में होता क्या है कि सब लोग बोलते हैं कि एक बार इनका गुरु जी बहुत प्रिय थे, गुरु जी को एक बार बुलाया जाए। अब गुरु जी को खबर मिली, गुरु जी को तो पता था ही। अब गुरु जी भी आ गए, देखे तो अरे चेला को आनंद को क्या हो गया, मेरा ये है वो है सब, बहुत मतलब थोड़ी देर बाद गुरु जी ठीक हुए। बोले गुरु जी आप तो बहुत बड़े अंतर्यामी हो, ज्ञानी हो, ये हो वो हो, आप तो इनको ठीक कर सकते हो। गुरु जी बोले एक शर्त है, ये ठीक हो जाएगा। एक वो अपना बोले कोई नहीं, मैं तो इसको ठीक कर दूंगा, लेकिन एक शर्त है। बोला कोई नहीं गुरु जी, सारे शर्त हमको मंजूर है, अब इनको सही कर दो, बस उठा दो। गुरु जी ने बोला एक कटोरा दूध ला, गिलास में दूध लाया, इन्होंने दिया
यूं करने के बाद गुरु जी बोले ये लो बेटा, इसको जो पिएगा वो मर जाएगा और ये जिंदा हो जाएगा। अब लो भाई, अब हो यहाँ कहानी। अब उसकी पहला नंबर सबसे पहला होता है पत्नी का, कि भाई उसका पति मरा, सबसे ज्यादा जरूरी उसी को है, पत्नी को मिला। लो ये तुम पियो और ये जिंदा हो जाएगा, तुम मर जाओगी। पत्नी बोले नाना ये तो मर ही गया, मैं कहीं जाके और शादी कर लूंगी, मैं क्यों मरने जाऊं इसके चक्कर में, जितना दिन जीना है मैं थोड़ा जीऊंगी। तो अब वो आनंद जो चेला है वो सुन सुन के मन में घुट रहा है कि भाई देखो क्या हो रहा है। इसके बाद नंबर आई माँ की, माँ भी नाक में बोली हम क्यों पिए, अब हमारे हम अगर मर जाएंगे तो हमारे पति कैसे रहेंगे, ये है सब कहानी फैलाने लगा। बहन को भी बोला गया, बहन भी नहीं तैयार हुआ। पापा को भी बोला गया, उनका पापा बोला नहीं हम कैसे हो सकते, ये विधवा हो जाएगी हम मर जाएंगे, बेटा तो हमारा और हो जाएगा। इसके बाद सब लोग ऐसे करने लगे। इसके बाद उसमें से एक बहुत तेज जाट में करता हूँ, कहीं ना कहीं एक तेज आदमी निकल जाता है, जो कुछ आता जाता नहीं क्योंकि वो तेज होता है। उसने बोला अरे गुरु जी आपको तो कोई आगे नाम ना पीछे पड़ रहा, आप तो फ्री आदमी हो, आप ही क्यों नहीं पी लेते, आपकी जय जयकार होगी, अब गुरु जी की जय हो, पूरा एकदम पूरा प्लान ढेगान पूरा जयकार लगने लगा उसका घर में कि गुरु जी धन है, ये है, आपकी पूजा होगी, आपकी प्रार्थना होगी, सब कुछ होगा, गुरु जी आप ही पी लो। अब गुरु जी बोले कि कोई बात नहीं मैं पी लेता हूँ, मैं ही पी लेता हूँ, कोई दिक्कत ना है। फिर गुरु जी ने बोला कि गुरु जी पी लिया और वो रामदास तो सोच में पड़ गया यार कि मैं क्या बोला था और मेरे साथ क्या हो रहा। अब वो नहीं उठा, वो पी लिए वो नहीं उठा, तब गुरु जी बोले रे चेला राम आनंद तू उठ, तेरा लीला यही खत्म हो गया, तू देख लिया ना पूरा महा मतलब क्या तुम्हारे साथ हो सकता है। उसने देखा और उठा और गुरु जी के चरणों में गिरा और बोला गुरु जी आज के बाद हम किसी पे भरोसा नहीं करेंगे, आपके साथ रहेंगे और हम सदा ब्रह्मचारी ही रहेंगे, हम कभी किसी के ऊपर मतलब वो नहीं करेंगे कि हमारा दुनिया में कोई है, आपके साथ भी आपको कोई नहीं साथ देगा, ये आप बात ध्यान में रखिएगा दोस्तों। इसी के साथ मेरा कहानी समाप्त होता है, नमस्कार प्रणाम। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने।